मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बागवान वेलफेयर सोसाइटी कानपुर, महानगर जेके कैंसर संस्थान रावतपुर कानपुर एवं जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विशेष का संगोष्ठी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा विषय पर जेके कैंसर संस्था कानपुर के प्रेक्षागार में संपन्न हुई। यह संगोष्ठी का प्रारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। संस्था बागवान वेलफेयर सोसाइटी का परिचय संस्था के सचिव श्रीमती मंजू मिश्रा द्वारा कराया गया। तत्पश्चात संस्था के वरिष्ठ डॉक्टर एम क्यू बेग द्वारा किस तंबाकू निषेध दिवस की प्रासंगिकता को बताया और इसका दुनिया में इसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका उपयोग कम करने के लिए उपायों की चर्चा करी। वक्ता CSJM विश्वविद्यालय कानपुर के विधि संकाय के निदेशक डॉक्टर शिवकांत त्रिपाठी जी ने तंबाकू उपयोग के नियंत्रण हेतु कानून कोटपा के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट अवधेश कुमार मिश्र ने तंबाकू के उपयोग से मनुष्य को आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित दुष्प्रभाव से कितनी हानियां उठानी पड़ती है, इसके साथ बचा जाए और अपनी अगली पीढ़ी को इसके उपयोग और दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी को प्रत्येक स्तर पर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। ने संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जेके कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर S.N. प्रसाद जी तंबाकू के दुष्परिणाम एवं मनुष्य जीवन में अतिशय गंभीर विभिन्न प्रकार कैंसर, मुख कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर और महिलाओं में भी गंभीर विभिन्न प्रकार के कैंसर तंबाकू के प्रभाव के कारण देखने को मिलते हैं। आगे बताया कि तंबाकू का उपयोग जीवन में नहीं करना चाहिए, इसके कारण विभिन्न प्रकार अनुवांशिकी बीमारियां भी होने का खतरा बना रहता है और मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी समाप्त होती जाती है। कार्यक्रम के अंत में बागवान वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक श्री प्रमोद नारायण मिश्रा जी ने सभी अतिथियों एवं संगोष्ठी में आने वाले आगंतुकों का भी धन्यवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बागवान वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पाल, महामंत्री सुनील कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, कानपुर महानगर इकाई के अध्यक्ष CA संतोष गुप्ता जी, उपाध्यक्ष सुशील काबरा, मंत्री मंजू मिश्रा, सहमंत्री सुनील राठौर, एडवोकेट निसार दीक्षित, पायाचन्य सेवा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर शुक्ला, भारत विकास परिषद की सचिव श्रीमती मनीषा अग्रवाल, मनोज जो विश्नोई, भारत उत्थान न्यास की कानपुर महानगर की अध्यक्षा श्रीमती रचना पांडेय जी, संस्था के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम में संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेखनीय सहयोग रहा। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। जी डॉक्टर साहब, जो आज प्रोग्राम रखा गया किस बेस पर रखा गया था? आज 31 मई को मोर टोबैको डे है, उस मोर टोबैको डे को भी सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। इसका मेन मकसद होता है कि लोगों तक ये जागरूकता फैलाई जाए कि टोबैको लेने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उसको बताना और कैसे इससे बचा जा सकता है, तंबाकू ना लेने के लिए कैसे। जो आज बताया गया है उसमें कुछ लोगों को समझ में आया होगा आज? अब ये तो लोग बताएंगे, लेकिन हमारा अपना कोशिश है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता और तंबाकू लेने से जो भी परेशानी होती है उसके बारे में वो हम लोगों ने बताया। आज ये बागवान संस्था के साथ मिलकर के हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग थे और अगर उसमें से कुछ लोग भी इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सफल होगा। संजय मिश्रा जी, क्या संजय जी अध्यक्ष बागवान वेलफेयर सोसाइटी, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर यह संगोष्ठी रखी गई थी जेके संस्थान और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के साथ में। स्थान का जेके कैंसर संस्थान कानपुर था, कई सारे वक्ता थे, मुख्य वक्ता कानपुर विश्वविद्यालय शाहू जी विश्वविद्यालय के Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.